Gentlemen, this is the most awaited moment of tonight. Hold your breaths for a few more moments. And here comes the heartthrob of millions, Ali Sethi. Hello. Assalamu alaikum. Good evening. Kaise hain aap sab log? Let's hear it. How are you? Janab College Jang. Thank you for having us. Hum aaj jis program ki numaindagi karne ke liye aaye hain aapke samne. It's a very special program. Coke Studio Pakistan. Do you love Coke Studio? Do you love Coke Studio? We love it too. शो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा. वो मेरी तस्वीर लगी है वहाँ. मेरा पहला साल था कोक स्टूडियो का, दो साल पहले 2015 में मैंने अपना पहला गाना कोक स्टूडियो पे गाया. आप में से कितने लोग कोक स्टूडियो पे गाना चाहते हैं? I can't hear you. Yes, yes, okay. I hear you. मैं भी आप ही की तरह कोक स्टूडियो पे गाना गाना चाहता था, लेकिन मुझे ये मालूम था कि कोक स्टूडियो जैसे आलीशान मकाम तक पहुंचने से पहले मुझे कुछ मेहनत करना पड़ेगी, मुझे एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा मौसीकी का. और क्या आप ये जानते हैं कि मौसीकी को भी स्टडी किया जाता है? आपके कॉलेज में म्यूजिक क्लासेस होती हैं? I can't hear you. Is that a yes or a no? Okay, I'm assuming it's a yes because hona chahiye. Aap ek bahut khas ilake mein, khitte mein aap log pad rahe hain. Jhang ek qadeem hissa hai hamare mulk ka, balki pure bare sagir ki tareekh mein, adab ki tareekh mein. Heer Ranjha ka kisne nahi suna? Waris Shah ki heer jo hai wo hamari mausiqi ke sath bahut judi hui hai. Yahin pe मशहूर हीर का मैंने सुना है मज़ार भी है. तो हम एक बहुत ख़ास इलाके में आज हैं जहाँ पे जहाँ की ज़ुबान, शायरी, अदब, मौसीकी बहुत मशहूर है, दुनिया में मशहूर है. तो मैंने गाना जो है वो
सीखना शुरू किया आज से तकरीबन 10 साल पहले। उससे पहले मैं एक बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, जहां मैंने हिस्ट्री और लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। तो लिहाजा बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद जो है जाके कोक स्टूडियो पे मैं गाना गाया, और जो गाना मैंने गाया कोक स्टूडियो पे, अपना पहला गाना जो गाया, उसमें कुछ सिराइकी के बोल हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद के कुछ तोड़े हैं, आज आपको सुनाएंगे। पहले एक ऐसे बहुत प्यारे मिली नगमे से शुरू करते हैं जो कि आप सब जानते हैं, पिछले साल हमने कोक स्टूडियो में गाया बड़े एहतराम से। शहीद वो होता है जो अपनी जान हक की राह में कुर्बान कर देता है, लेकिन लफ्ज़ शहीद जो है वो एक और लफ्ज़ से जुड़ा हुआ है, मुशाहिदा, शहादत। जैसे कलमा शहादत है, शहादत की एक मानी है जान कुर्बान कर देना, एक लिटरल मानी है, एक और मानी है गवाही देना, सच की गवाही देना, हक की राह में चलना। तो जो तालिबे इल्म होते हैं और जो उनके टीचर्स होते हैं, वो मेरे ख्याल में, मेरी आंखों में, मेरी नज़रों में एक बहुत अहम मुशाहिदा करते हैं, गवाही देते हैं एक बहुत अहम हकीकत की, जिसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो ये आप सबके लिए। की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ऐरा है हक के together।
इंतजार का खास नशा, आपको भी ग्रेजुएट करने तक ये इंतजार करना पड़ेगा। परदेसी होयो जब मैं अमेरिका पढ़ने गया तो मेरी अम्मी मुझे कहती थी फोन पे, परदेसी होयो देते दिया नित वतना वाले कमली करके हो जाना जरा, आपके इलाके में शायद छल्ला कहते हैं ना, है ना, मुझे बड़ा पसंद है ये लफ्ज़, झल्लिया, मैंने झल्लिया बना के, है ना, छल्ला हो जाना। तो कमली की कैफियत गाने में कैसे दिखाई जाती है? मेरे उस्ताद बहुत बड़े आदमी, उन्होंने मुझे कुछ खास तरकीबें कि जो खास एक इश्क के दौरान जो कमली कैसे होना है। कमली कण के मनो चो
I would like to introduce my wonderful band, my musicians. Saad Sultan, तालियां इनके लिए. गिटार पे आपके सामने मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त, पाकिस्तान के मशहूर प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं. मैं हो गया अपनी हमारी दोस्त कुरतुल अम बलोच क्यों भी, जिनकी तस्वीर यहाँ लगी हो गई. आतिफ असलम हो गए, सब लोग इनके स्टूडियो आते हैं काम करने. ये बहुत बहुत जीनियस आदमी है. नो लेस मिस्टर एंटनी सोशील यहाँ खड़े हैं कीबोर्ड के ऊपर, मून भाई हमारे, इनके लिए तालियां, जोरदार तालियां प्लीज. मून भाई के साथ शहबाज हैं, शहबाज हारमोनियम बजा रहे हैं और यहाँ ढोलक के ऊपर बाकिर हैं. प्लीज क्लैप्स फॉर माय वंडरफुल बैंड. एक कोक स्टूडियो के बारे में मैं चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं अब ये मेरा तीसरा साल है मैं कोक स्टूडियो में गा रहा हूँ. कोक स्टूडियो आपको पता है कितने लोग देखते हैं? 100 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान वॉच कोक स्टूडियो. शायद इंडिया की कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो कि इतने लोग देख पाते हैं. सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर को भी नहीं देख पाते जितने ज़्यादा कोक स्टूडियो को आवाम चाहते हैं पाकिस्तान के. और इसकी क्या वजह है, क्यों चाहते हैं हम कोक स्टूडियो को इतना? आखिर बहुत से प्रोग्राम हैं टीवी पे, बहुत से सिंगर्स हैं अच्छे, अच्छा काम करते हैं. कोक स्टूडियो की खास बात क्या है? कोक स्टूडियो की खास बात यह है कि कोक स्टूडियो रिवायती मौसीकी, यानी जो हमारा फोक म्यूजिक है, उसको नए अंदाज में यंग जनरेशन के लिए पेश करता है कि नहीं ऐसा? आई वॉन्ट हियर यू. अगर आप इस एज में इस तरह यस कह रहे हैं तो फिर आपका आगे के क्या बनेगा? लेट मी हियर यू वन मोर टाइम. ये गाना कोक स्टूडियो ने बहुत खूबसूरती से बनाया. ये तुफैल नियाजी साहब का गाया हुआ गीत है. दो साल पहले आपने कोक स्टूडियो सीजन 8 में या 7 में इसको सुना है. ये आपके लिए नौजवान तबका, आप लोग अब जो ग्रेजुएट करने जा रहे हैं, क्लास 10, 11, 12 ऑनवर्ड्स के लोग, ये आपके लिए है. इंजॉय करें. क्लैप विद मी. जवानी आई खिरिया ने गुलजारा, ओ बचपन गया जवानी आई खिरिया ने गुलजारा, ओ गल्ला सूहे रंग बताए बहकण अजब बहारा, ओ गल्ला सूहे रंग बताए बहकण अजब बहारा, ओ पींग मही दी झूठण आईया मस्त अलड़ मुटियारा, पींग मही दी झूठण आईया मस्त अलड़ मुटियारा, ओ बारो वारी पींग चुटे बण कर करना सहजाता, बारो वारी पींग चुटे बण कर करना सहजाना. जदों आई दगड़ी दीवारी है टूट गई, ते टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले टूट गई तड़क करके, ओ लाई बे कटना लल यारी ते टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले टूट गई तड़क करके. जदों सही ओ मस्त
जवानी होश च आवण लगी हो जाके बाग माही घर आया शगन मनावण लगी हो जाके बाग माही घर आया शगन मनावण लगी हो भर के पेक दिता दिल भरनू खुशी मनावण लगी भर के पेक दिता दिल भरनू खुशी मनावण लगी ओ फुला लाल लगी जद प्याली है ते टूट गई क्यों यार ते टूट गई तड़क करके बल्ले बल्ले बल टूट गई तड़क करके लाए बे कटना नाले यारी ते टूट गई तड़क करके बल्ले बल्ले बल टूट गई तड़क करके और लाए बे कटना नाले यारी ते टूट गई तड़क करके बल्ले बल्ले बल टूट गई तड़क करके सगीर में पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश ये जो सारा हमारा इलाका है यहाँ जब शादी ब्याह के मौके पे लड़की की रुखसती हो रही होती है तो लड़की वाले अफसुरदा हो जाते हैं है कि नहीं है कि नहीं यस ये जितनी ख्वातीन हमारे सामने बैठी हैं ये सब जानती हैं गुजर चुकी हैं गुजरेंगी इन मरहलों से कि जब शादी ब्याह का मौका आता है तो खुशी होती है बहुत सेलिब्रेशन होती है लेकिन एक वक्त ज़रूर आता है जब रुखसती के टाइम पे लड़की वाले जो है वो रो पड़ते हैं और जो रिश्तेदार नहीं भी होते वो भी रो पड़ते हैं ऐसी कोई कैफियत जो है वो सब पे तारी हो जाती है उसको तो ये क्यों होता है मैं इसके बारे में पढ़ रहा था एक बड़ी अच्छी किताब है एतज़ाज़ अहसन साहब की लिखी हुई द इंडस सागा उसमें वो बताते हैं कि ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है ये दुनिया में और नहीं होता चाइना में अफ्रीका में अमेरिका में नहीं होता ऐसा वहाँ वो खुशी खुशी रुखसती कर देते हैं यहाँ इसलिए होता है क्योंकि आज से 2,500 साल पहले जब आर्या कौम के लोग यहाँ आए तो उन्होंने जब कबायली बस्तियों पे हमले किए तो वहाँ के जो बादशाह शहजादे वहाँ के जो कबायली उनके लीडर्स होते थे ट्राइब्स के उनकी बेटियों को अगवा करके ले जाते थे और उनसे ज़बरदस्ती शादियाँ कर लेते थे एज अ वे ऑफ सबड्यूइंग the opponents, the political opponents. तो ये उस वक्त से हमारी एक cultural memory का हिस्सा है ये बात कि लड़की को जो selfless love और प्यार और सच्ची मोहब्बत अपने घर में मिलती है वो शायद अगर वो बहुत खुशनसीब है तो उसको पराए घर में मिलेगी ठीक है जी मुलायदा फरमाएं गिल्ली गिल्ली बनिए निसम्मे ये वो लोग हैं
बड़े लोग हैं, तो लिहाजा इन लोगों की सोच को, इनकी फिक्र को, इनके जज्बात को महसूस कीजिए और अपनाइए, अपने दिल में समाइए। ओ ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले अकीदत का जज्बा चेक करें, ये चार चराग जल रहे हैं आपके, चार चराग तो हैं, उनको कोई हिला नहीं सकता। मेरी कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है, ये आप स्टूडेंट्स के लिए है। Ta-d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 a
अमीर खुसरो का बनाया हुआ राग है एमन, अमन तारी का मेरा इस राग में ये गाना है। तो ये दिल को सुकून सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचाता क्योंकि सेवन शरीफ का जिक्र हो रहा वो है, लेकिन हजरत अमीर खुसरो का 800 साल पुराना बताया हुआ सुरों के अंदर की बोल रही है। Selfie.